reading of ammeter for silicon diode is given by, वो कहते हैं कि हमने सिलिकॉन डायोड लगा दिया, 200 ओम के रेजिस्टेंस है और एमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब कई लोग कहेंगे कि आप 3 को 200 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, और तो कुछ गिवन भी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो डायोड को लगाने की जरूरत क्या थी, ऐसी आर लगा के दे देता। डायोड का कुछ तो सिग्निफिकेंस है, डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है, सिलिकॉन का डायोड जब चलेगा ऑन होगा उसकी कट ऑफ वोल्टेज ही 0.6 वोल्ट है। लास्ट टाइम किया था हमने ट्रांसफर स्विच में, 0.6 से नीचे तो वो काम भी नहीं करता, तो 0.6 तो ये अकेले ही खा जाएगा, तब जाके करंट को अलाउ करेगा पास होने के लिए, नहीं तो करेगा भी नहीं। या ऐसा बोल सकते हो 0.6 की जगह 0.7, नी वोल्टेज होती है 0.7 फॉरवर्ड बायसिंग में, नी वोल्टेज के बाद करंट वो इंक्रीज करता है, उससे पहले तो करंट ना के बराबर ही होता है, तो ये 0.7 तो ये रख लेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने मन में सोचना है कि 0.7 तो यही रख गया, तो फिर करंट क्या आया, 3 में से 0.7 माइनस करके 200 से डिवाइड करके करंट आया। अब जिसको ये 0.7 का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता वो तो रेजिस्टेंस को V से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक ये पॉइंट कहाँ से आया, अगर सिलिकॉन का ये डायोड लगा हुआ है तो 0.7 ये हिडन वैल्यू जो है आपको लगानी पड़ेगी बीच में। चलो पॉइंट क्लियर है, सभी आंसर है, आंसर देगा ही वो आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कॉमन एमीटर है, पता लग रहा है, कॉमन एमीटर में आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, तो जो भी गेन्स होंगे वो आउटपुट बाय इनपुट होगा, यानी कि कलेक्टर बाय बेस होगा। कलेक्टर बाय बेस दिख नहीं रहा, ये तो होगा नहीं, कलेक्टर बाय बेस दिख नहीं रहा, ये भी नहीं होगा, कलेक्टर बाय बेस, कलेक्टर बाय बेस दिख रहे हैं स्टार्ट हो गए, तो आंसर सी और बी और डी में से होगा। तो लगाओ फॉर्मूलाज, तो इसमें क्या निकालना है, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन। तो आज हमने किया करंट गेन क्या होता है, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट, आउटपुट में कौन है, कलेक्टर, इनपुट में कौन है, बेस। नेक्स्ट है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या था, बीटा करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस में आउटपुट में कौन है, लोड रेजिस्टेंस, इनपुट में कौन है, बीई, बेस एमीटर इनपुट होता है, ये आंसर है। ऐसी पावर गेन में बीटा स्क्वायर एसी करंट गेन इनटू क्या, अगेन रेजिस्टेंस गेन, मार्क कर लेना, फॉर्मूला भी पूछे हैं उसमें, कुछ नहीं पूछा है इसमें, याद हो जाएंगे तो मार्क कर लेना। लो ये तो आसान है, करना जरा आंसर इसका क्या होगा। देखो इसके अंदर जब तक आप फॉर्मूला नहीं बनाओगे ना फाइनल आंसर नहीं आएगा, जेड निकालना पड़ेगा। कैसे, ये एक्स है तो ये क्या है, एक्स, तो ये क्या है, एक्स का बार, इधर से ये क्या है, वाई, ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई, ठीक है। ये एंड गेट है, क्या देगा, एक्स इंटू वाई, ये क्या देगा, एक्स बार इंटू वाई। फिर ये नैंड गेट है, ये क्या करेगा, जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेगा x बार इंटू वाई का होल बार लगा देगा, कोई डाउट इसमें, तो फाइनल फॉर्मूला क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आप पहला तरीका, आप x और y लें, ट्रूथ टेबल बनाएं और इसका आंसर मैच करें, बड़ा लंबा काम है, ऐसा ना करें। आप पहले स्टार्ट करें 0 0 से, चारों के चारों टेबल 0 0 से स्टार्ट हैं, अपने मन में सोचें
अगर ये जीरो तो इनका प्रोडक्ट जीरो इंटू समथिंग इज जीरो का बार इज ओके जीरो जीरो वन हो सकता है आंसर, जीरो 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 तो नहीं हो सकता, जीरो 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 तो नहीं होता आंसर, आंसर ए या डी में से है। फिर अगली इनपुट क्या दें, जीरो वन मत दें क्योंकि ये जीरो वन वन दे रहा है, ये जीरो वन वन दे रहा है, फैसला नहीं कर पाओगे, छोड़ दें। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकेंड, सेल खत्म हो गया। देखो तो मैं कह रहा था, यहाँ पे मैंने कहा था अगर ये डॉट सर्कल होगा तो होगा, ऐसे कनेक्शन आए हैं तो ना ना, हाँ ये कनेक्शन आए हैं, ये जरूरी नहीं कि हर सर्कल नॉट होता है, तो कोई नॉट नहीं है, ये कनेक्शन दे रहा है, इसे जोड़ रहा है, इसे ऐसे है ये, ठीक है। तो अब इसमें ये मत चेक करें, अब 10 चेक करें, क्यों, क्योंकि 011 011 फैसला कर नहीं पाओगे, 101 101 नहीं कर पाओगे, लास्ट लो 11 क्योंकि 11 में फर्क है, तो 1 into 1 1 1 बार इज 0, 0 इंटू समथिंग इज दिस इंटू दिस दिस 0 का बार इज, तो ये आंसर बन गया। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल कर करके देखना पड़ेगा आपको कौन सा सही है, पूरा ट्रू टेबल तो लंबा हो जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे सोचना है, वैल्यू पुट करके देखेंगे, नहीं फिर से द्वारा 1 1 1 into 1 1 1 bar इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 का बार इज 1, किसमें ठीक है। नेक्स्ट जीनर डायोड, तो नेक्स्ट है, इन दिस गिवन सर्किट करंट थ्रू द जीनर डायोड इज व्हाट, करंट निकालना है, लॉजिक देखो क्या लगेगा मुझे एक बात बताओ, ये 10 वोल्ट का जीनर है तो पैरेलल में ये भी कितना है, 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस 1500 है, तो इसका करंट आ जाएगा, क्लियर है, निकाल लोगे वी और आर से करंट आ गया, ये 10 वोल्ट है, ये 15 है, तो ये कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है रेजिस्टेंस है, इसका करंट आ गया, अब इसका करंट कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, तो इस करंट में से इस करंट को माइनस कर लेना, आंसर जीनर का करंट आ जाएगा, समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, तो पहले V into I लगा के ये करंट, फिर ये करंट, फिर माइनस करके इधर का करंट, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है टोटल, कोई डाउट इसमें, ठीक, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो ऐसा है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जब वो ट्रांजिस्टर की तरह यूज करता है एज एन एम्पलीफायर, तो इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस कितना होता है, 180, कॉमन बेस में 0, कॉमन एमिटर में 180, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट
VI characteristics of diode is as shown in the figure. ठीक है, IV given है, diode की नहीं है, transistor की नहीं है. Ratio of forward to reverse bias resistance. तो forward biasing यहाँ से आती है, reverse यहाँ से आती है. तो आप इसकी रेजिस्टेंस निकाल लें, इसकी रेजिस्टेंस निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर दें. अब इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी फॉरवर्ड में? रेजिस्टेंस होती क्या है? चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट. तो आप कोई भी दो पॉइंट ले लें वोल्टेज के, जैसे 8 और 7, तो डेल्टा वी क्या है? 8 में से 7 गया, 0.8 में से 0.7 गया, तो करंट आ जाएगा 20 और 15. तो इन्हें डिवाइड कर लें डेल्टा वी बाय डेल्टा आई. तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर रेजिस्टेंस आ गई R1. रिवर्स के अंदर प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, रिवर्स में फ्लैट है बिल्कुल, तो करंट तो 1 माइक्रो एम्पियर ही है और वोल्टेज कितनी है? 10 है. तो देखो 10/1, तो R2 आ गया, R1 R2 की रेशियो पूछी है, आंसर आ गया. ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस, रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस, दोनों को डिवाइड रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर जिसकी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन गिवन है, होल कंसंट्रेशन गिवन है, मोबिलिटी गिवन है. ये तो लास्ट टाइम किया था हमने, ये फॉर्मूला सीधा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी तो मैंने एनसीईआरटी का करवाया था, एसएल की बुक के कहीं यही आ जाए शायद कुछ ना कुछ. नेक्स्ट, करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर गिवन. कॉमन एमीटर का करंट गेन बीटा होता है, एमीटर करंट गिवन है, कलेक्टर निकालना है. कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं कलेक्टर करंट निकालने का, ये आज हमने एनसीईआरटी में किया था कि अगर आपको बीटा गिवन है और एमीटर करंट गिवन है और कलेक्टर निकालना है तो क्या यूज़ करेंगे बीच में? अल्फा. अल्फा को लिखेंगे वो बेस, कॉमन बेस वाला, कलेक्टर अपॉन एमीटर. तो यहाँ से सॉल्व करके कलेक्टर आ जाएगा, सही है ना? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाल दिया मेन वालों ने, देखो. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD चार इनपुट्स हैं, चार, एक भी नहीं, चारों की चारों इनपुट्स हैं और कह रहे नैंड गेट में डाल दो. नैंड है कौन सा गेट है? नहीं, अच्छा गेट बताओ, गेट बताओ कि ये आउटपुट आ जाए. चलो अब सब में डाल के देखो एक एक करके. देखो ऐसा करना पड़ेगा, नॉट तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉट की चार इनपुट्स नहीं होती. चलो एक आंसर तो हो गया, नॉट नहीं है. नेक्स्ट, एक बात बताओ, चलो एंड लेते हैं. एंड क्या करता है? मल्टीप्लाई करेगा ABCD. इमेजिन करो ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है और ये जीरो है. ओ ये जीरो है, हाँ. तो जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो विल गिव, हाँ कुछ बात तो बन रही है. नेक्स्ट फिर देखो, ये 1 है, 0, 0 और 0. 1 × 0 × 0 × 0 is, तो ये कम से कम एंड तो नहीं हो सकता. चलो ऑपरेशन और पे लगाएं, 0 + 0 + 0 + 0 = 0, 1 + 0 + 0 + 0 = 1, और आंसर है.
ठीक है, कैसे चेक करना समझ में आ रहा है, वो टाइमिंग बना बना के 0000001 कर करके पुट करके देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैं बोलता था करेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें ये जो करेक्टर्स करे कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं मार्क कर दो। ये तो पक्का जीनर है, ठीक है, ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, ये सिंपल डायोड है, सिंपल डायोड है, जीनर डायोड है, सोलर सेल है, और LDR हमने किया नहीं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हमें सिलेबस में नहीं है, डाला हुआ है इसने, पर तीनों से आंसर आ गया ए ऑप्शन है, एक से आ गया जीनर से, हाँ एक से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा का रिलेशन कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ध्यान से इनकरेक्ट है, ये तो पक्का इनकरेक्ट है, ये तो पक्का इनकरेक्ट है, सी भी, बी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट है तो ये प्लस वाले दोनों बी और डी इनकरेक्ट है, ठीक है यहाँ तक? तो फॉर्मूला ही चेक कर रहा है, इतने बुरे भी नहीं है क्वेश्चन वैसे। नेक्स्ट, एन अननोन ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अननोन है एनपीएन, अच्छा आइडेंटिफाई एज एनपीएन और पीएनपी, ओके पता नहीं एनपीएन है या पीएनपी है। अ मल्टीमीटर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर, इफ टर्मिनल टू इज द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। कह रहे पीएनपी लो और चेक करो क्या करेक्ट क्या इनकरेक्ट है। चलो शुरू करते हैं, शुभम बोलाइए, शुभम देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, देखो कैसे पॉजिटिव टर्मिनल टू, तो पॉजिटिव टर्मिनल कह रहे पॉजिटिव टर्मिनल टू, टू को कह रहे पॉजिटिव टर्मिनल दे देते हैं, एंड नेगेटिव टर्मिनल थ्री, ये लो। एक बात बताओ पी विद नेगेटिव नहीं हो तो सकता है, रिवर्स बायसिंग हो सकती है, तो ये रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस हाई होती है, वो कह रहे रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल टू, तो ये पॉजिटिव दे दो और नेगेटिव टू वन, ये लो इसे नेगेटिव दे दो, तो नेगेटिव विद पी पॉजिटिव विद एन, कौन सी बायसिंग, रिवर्स, रिवर्स में रेजिस्टेंस इज, आंसर भी यही चेक करना है एक एक करके, कि अगर मान लो फॉरवर्ड बायसिंग आ गई तो रेजिस्टेंस लो बोलना है, और रिवर्स बायसिंग आ गई रेजिस्टेंस हाई बोलना है, तो करेक्ट आंसर है, ठीक, तो करेक्ट आंसर है।
देखो, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, ध्यान आगे, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड विच हैज अ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम. तो ज़ीनर के आगे एक रेजिस्टेंस लगा रखी है 100 ओम एंड मैक्सिमम पावर ऑफ डिसिपेशन ऑफ रेटिंग 1 वॉट. तो पावर डिसिपेशन डायोड में 1 वॉट है. मिनिमम वोल्टेज डीसी सोर्स की क्या होगी, नॉट फॉर मेडिकल, ठीक. तो ज़ीनर के साथ 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी, सोर्स की वोल्टेज पूछ रहे क्या होगी, पावर दे रहा है इसकी. तो रूल नंबर वन, इसमें वोल्टेज क्या होगी, वी माइनस आई आर. इसकी वोल्टेज क्या होगी, वी में से आई आर माइनस कर दें, ये इसकी वोल्टेज है वी माइनस आई आर. और इसकी पावर क्या होगी, इस वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई किया पावर आ गई. लेकिन ये पावर आपको कितने की बन है, 1 वॉट की बन है, तो इसको इक्वल टू 1 कर दिया, ओपन करके करंट में क्वाड्रेटिक बन गई. करंट के क्वाड्रेटिक से रूट निकलेंगे वोल्टेज की फॉर्म में, और रियल के लिए ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20. ठीक है, तो मतलब आपको दो वेरिएबल गिवन है, एक आपको वी गिवन है, ऊपर से करंट भी गिवन है. तो आप पहले इसकी पावर निकालेंगे ज़ीनर की, इस पावर को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर 1 वॉट करेंगे, करंट की क्वाड्रेटिक होगी, उसका रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अपने आप वोल्टेज की वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू 20. चलो, क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने बता दिया. तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रुथ टेबल ले लो, बताओ किसका ट्रुथ टेबल है ये. बहुत जल्दी कर दिया. और तो 0 + 0 0, 0 + 1 1 + 0 सही है, और है ना, हर कोई सोच रहा है मेरे सेट में यही आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट. रेशियो आर और ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ एंड इनपुट रेजिस्टेंस आर आई इन मेजरमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इज टिपिकली इन अ रेंज ऑफ, मेरे को नहीं पता ये फैक्ट याद करो, 1 to 10, 1 से लेके 10 ये वैल्यूज रहती हैं. अब कौन करेगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है कि लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस आएगी, इनपुट रेजिस्टेंस आएगी, वो रेंज किस में लाई करेगी, 1 और 10 के बीच में लाई करेगी. अब इसको तो इतना दम रखते हो तो ठीक है, लगा देना वहाँ पे, ठीक, पक्का पता होगा तभी फायदा होगा ना. अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लॉजिक एट्स है, आपको आउटपुट 1 चाहिए, वो कह रहे हैं 1 चाहिए, कौन सा ऑप्शन मार्क करें कि आंसर 1 आए, कौन सा ऑप्शन मार्क करें, एक एक करके करना पड़ेगा. जैसे पहले फॉर्मूला बनाऊँ ना, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी है और ये सी है, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू. तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले ए 0, बी 0, 0 प्लस 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, नहीं आएगा 1, सी भी आएगा, अच्छा ए की जगह 1, बी की जगह 0, 1 प्लस 0, 1, 1 इंटू 1, डन, सी. तो समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है, पर पहले फॉर्मूला बनाना ज़रूरी है, फॉर्मूला नहीं बना आंसर नहीं आएगा, ठीक. अब ये देखो, तो वो कह रहा है कि एक ग्राफ है, किसका, करेक्टरिस्टिक्स का है, इनपुट रेजिस्टेंस एंड इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का है. कॉमन एमीटर में ग्राफ किसका बना रहा है, 1/रेजिस्टेंस का बना रहा है वर्सेस वोल्टेज. तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है, कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ गिवन नहीं. तो सबसे पहले अगर हम आई वी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पहली बात तो ये बीई की बात कर रहा है, बीई का मतलब बेस एमीटर इनपुट है. इनपुट में कौन सी बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड. फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये करंट है और ये वोल्टेज है. अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ, करंट अपॉन वोल्टेज, 0 से 0.7 तक ये ऑलमोस्ट फ्लैट चल रही है, स्लोप कांस्टेंट है. तो इसकी स्लोप क्या देगी आपको, 1/रेजिस्टेंस. तो 1/रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एक ही ग्राफ है जिसके अंदर 1/रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 0.6 तक, ये रहा ये ग्राफ है. मतलब आपने बस उसको देखते ग्राफ कांस्टेंट करके आंसर दे दिया, वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं चाहिए. मुश्किल क्वेश्चन है, कौन करेगा वहाँ बैठ के इतना, ये मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है. इन एन अनबायस्ड एनपी जंक्शन
इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, जब हम पी और एन को जोड़ते हैं तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन में, पी रीजन के एन रीजन में डिफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? तो याद रखना जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन और होल्स की वो डिफर करती है, इसलिए एक रीजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे रीजन में एंटर करता है। तो याद रखना डिफ्रेंसिएशन ऑफ कंसंट्रेशन लिखा भी हुआ इसके अंदर अगर आप बुकलेट चेक करेंगे। नेक्स्ट जीनर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये एक रेजिस्टर आर एस है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये करंट आई एल है लोड रेजिस्टेंस, और ये एन इंटू आई एल है, ये आई एल है, ये एन इंटू आई एल है। तो ये करंट क्या होगा ऊपर, इन दोनों को ऐड कर दो ना, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आई एल प्लस एन इंटू आई एल। तो आपको इसमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बताओ कि अगर ये वी आई है और ये वी एल है तो ये कितना है, वी आई माइनस वी एल है। ओम लॉ लगा दो, दिस वोल्टेज इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, आंसर आ जाएगा। यही किया देखो, तो वोल्टेज नेट वोल्टेज इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, आर एस की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? कुछ नहीं, जीनर तो आसान है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही है जीनर तो, ठीक है यहाँ तक? ये आसान क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अगर मैं सपोज एक बैटरी लूँ, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पे कनेक्ट करूँ और फिर बाद में बी पे कनेक्ट करूँ, जब पॉजिटिव ए पे होगा तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, इसको हटा देंगे, जब ये नेगेटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, इसको हटा देंगे, तो दो करंट आ जाएंगे, दोनों करंट की वैल्यूज आपको निकाल देनी। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक, नॉट फॉर नीट, ओनली फॉर नॉन मेडिकल। तो आपको करंट वोल्टेज का रिलेशन दे दिया उसने, आपको ये कहा अगर स्टूडेंट एरर ये मेजरमेंट करते हुए डेल्टा भी इतना मेजर करता है, एरर्स का क्वेश्चन है ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन नहीं है, डेल्टा भी इतने और करंट 5 मिली एम्पियर मेजर करता है और 300 केल्विन पे, तो एरर इन द करंट क्या होगा? तो सबसे पहले काम करेंगे ये इक्वेशन लिखेंगे, 5 मिली एम्पियर 300 केल्विन पे, तो टेम्परेचर को 300 और करंट को 5 फुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपको वैल्यू पता लग जाएगी, e की पावर 1000 VT की 6 आ जाएगी। आपको ये वैल्यूज गिवन है, आई पता है, आई की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू आ गई एक। फिर मैथ्स के लोग क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन को, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो DI आएगा और यहाँ से डिफरेंशिएट करके DV आ जाएगा, DI और DV निकाल लेना डिफरेंशिएट करके। तो बस DV गिवन है, इस पूरे की वैल्यू हमने निकाल ली 6, DI निकाल लेना टेम्परेचर पता आंसर। ये उसकी एरर्स की प्रॉब्लम है जो कैलकुलस से सॉल्व होने वाली है। तो एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा नॉन मेडिकल वालों को, तो डिफरेंशिएट करके DV और DI का रिलेशन से सॉल्व होगा वो, ठीक।